आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस ट्रुथ को पहचानते हैं, सच्चाई को जानते हैं कि नहीं, लेकिन आज जान लीजिए, परमेश्वर चाहता है मैं उसकी तरह एक सामर्थी व्यक्ति बनूं और शैतान चाहता है कि मैं एक कमजोर व्यक्ति बनूं, और ये दोनों सदैव मेरे पीछे रहते हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर है कि मैं किसको रिस्पॉन्ड करता हूं। अगर आप नहीं जानते हैं कि एक कमजोर व्यक्ति का साइन क्या है, हाउ यू नो आई एम अ वीक पर्सन, मैं कमजोर हूं ये मुझे कैसे पता चलेगा, याद रखिए अगर आप टेम्पटेशंस में गिर जाते हैं, अगर आपको वहां पर लड़ने की ताकत नहीं, तो आप एक कमजोर व्यक्ति हैं। हमेशा याद रखिए, जैसे कि मैंने बहुतों को देखा है जिनके लिए गाली सहना बहुत कठिन है, अगर आप उनको गाली दे दें तो शायद वो आपको आपके ऊपर हाथ उठा देंगे। गाली, हाँ, नॉट अब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली, प्रॉपर गाली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा पत्रस कहते हैं कि वो गाली सुन के भी गाली नहीं देता था। क्या जब उसे गाली कोई देता था, आपने देखा वो अपनी स्पिरिट में कितना स्ट्रांग था? या कई बार जब लोग उसको नेगेटिव नेम्स बोलते थे, उसका परिवार उसके लिए कहता था कि इसका चिट ठिकाने पर नहीं है, और बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें लोग उसके बारे में, और सारी खबरें मिलने के बाद वो कितना काम रहता था। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में न पड़ो, कि तुम्हारे ऊपर कभी परीक्षा ना आए। उसको ये पता था कि परीक्षा तो आएगी, उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। सो आपको आज एक बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक सामर्थी व्यक्ति बने। आपने देखा जो परमेश्वर के साथ रहते हैं वे बड़े सामर्थी होते, आप उनको प्रॉब्लम्स में डिस्टर्ब नहीं देखोगे, आप उनको परमेश्वर की तरफ निहारता, दुखों में उसकी आराधना करना, सब बातों में आप उन्हें आगे बढ़ते हुए देखोगे। लेकिन कमजोर लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स में आके ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, अधिक सोचने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं मैंने क्या किया है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कल चर्च में एक बहन से मिला, वो मुझे कह रही थी मुझे जानना है मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों आई है। मैंने कहा बहन क्यों जानना है आपको, क्यों जानना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये क्यों क्वेश्चन लेके बैठे हो मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ? आप खुदा को ये क्यों नहीं कहते, चाहे कुछ भी हुआ मुझे यहां से निकाल बस। सो बी वाइज। कुछ लोग, मैंने रिसेंटली एक विश्वासी भाई को देखा जो बहुत ज्यादा डूबा हुआ था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो लास्ट में तो वो इस थॉट में भी आ गया कि इसके ऊपर किसने जादू टोना किया। अब आप मुझे बताइए, मसीह लोगों पे अगर आप जादू टोना करेंगे तो उन पे असर करेगा? अगर आपके घर के बाहर कभी भी कोई नींबू मिर्ची डाल के जाता है तो कभी मत डरा करिए, उसको उठाओ शरबत में डालो और पियो। नींबू ऑलरेडी बहुत महंगे हो चुके हैं, मुझे कुछ दिन पहले पता चले कि खाली एक डजन जो है वो 20 रुपए में डजन मिल रहे हैं, तो इतने महंगे हैं क्यों फेंक रहे हो, उठा के ले लो। और भैया मिर्ची भजिया बना के खाओ, धन्यवाद दो प्रभु को, धन्यवाद प्रभु सब्जी फ्री में मिल रही है। अगर आपके सामने कोई नींबू मिर्ची कोई फेंक के जाता है, खुदा का शुक्र करो, धन्यवाद करो कि आपके पास खाना फ्री में आ रहा है। लोग खरीद के लेके आते हैं आपके पास, लोग देके जाते हैं, और कितने अच्छे हैं, उन्होंने पढ़ के दिए हैं आपको, मतलब स्पेशल मिर्ची स्पेशल नींबू है ये सब। कोई चीज, मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि क्यों हम पर जादू टोना असर नहीं करता, रीजन क्या है? अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम को लेके मेरे बारे में कुछ पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है और लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा, क्यों? हमेशा याद रखिए, जब दाऊद गोलायत को देखता है और जब वो उसे लड़ने जाता है
तो दाऊद अपनी दुआ और अपने अध्ययन के तौर पे, उसके आधार पे, उस पे खड़े होके नहीं गया था, वो परमेश्वर की वाचाओं के भागी होके गया था। जानते हो वो गोलियत को जब देखता है तो क्या कहता है? वो कहता है, अरे ये खतना रहित फिलिस्तीनी ये हमें मारेगा। इब्राहिम के खानदान के हर लड़के का खतना होता था, और जैसे उनका खतना होता था वो वाचा के भागी हो जाते थे। और एक्चुअली दाऊद ये कहता है, ये हमसे लड़ने आए। आपको पता है दाऊद ने क्या देखा कि वो इतना बोल्ड हुआ? दाऊद जानता था इसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आ सकता इसे बचाने, क्योंकि इसकी तरह वाचा नहीं है। और यीशु ने रोटी ली और दाखरस ली और कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है। अरे कौन हम पे जादू टोना करेगा, और करेगा भी तो क्या होगा, उसके वाचाओं के भागी लोग हैं हम। उसकी वाचा के भागी लोगों पे आप कुछ होगा? सो कभी भी आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची या कभी कभी वो गुड़िया होती है ना काली वाली, वो डाल के जाते हैं। मुझे एक बहन ने कहा, भैया मेरे सामने गुड़िया डाल के गए। मैंने कहा, अपने बच्चे को दे तो खेले, कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी टॉयस बहुत महंगे हो चुके हैं आजकल। इतनी सी गुड़िया लेने जाओ 200-500 रुपए की मिलती है, फ्री में देखे गए हैं, खाली कपड़े चेंज करो उसके, ब्लैक है ना व्हाइट कर दो ना, पड़े रहते ना पीछे वो ब्रश वगैरह व्हाइट व्हाइट, हमारे घर पे जो कलर बचता है उसको व्हाइट कर दो, दे दे बच्चे को, बच्चा फाड़ फाड़ के मार देगा। या कई लोग कहते हैं, वेदर क्या हम पे नजर लग सकती है? मुझे बताइए नजर लगती कैसे? नजर लगती कैसे मुझे बताइए? मैंने देखा क्रिस्टन स्टोन्स पहनते हैं आजकल, मैंने मसीह लोगों को स्टोन्स पहनते देखे। स्टोन्स पहनते हैं आप लोग, आप मसीह है? मुझे एक भाई ने कहा था, स्टोन्स पहनो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब बिगड़ा हुआ था उन दिनों में। बोला स्टोन्स पहन, तो मैंने बोला क्यों? बोला ये सब तेरे पीछे पड़े। मैंने कहा चल ठीक, पीछे पड़े हैं, चल मैं मानता हूं, एक बात तो बता, मैंने इनका बिगाड़ा क्या? बोला वो नहीं पता है। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो अंगूठियां पहनते हैं, अपने बच्चों को यहां टीका लगाते, क्यों? मैं भी लगाऊं कल से टीका, घर से निकलूं टीका लगाऊं और ऐसे घूमूं, नजर लगती है। लास्ट संडे की बात है, कोई मुझसे मिलने आया अपने बच्चे को लेके, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो। मैंने कहा बहन आप कब से प्रभु में हैं? भैया 2 साल हुए हैं, बैप्टिज्म भी हो गया आपका? हाँ हाँ भैया मेरा 6 महीने में हो गया था। अच्छा क्या हुआ आपके बच्चे को? भैया मेरे बच्चे को नजर लग रही है। किसकी लगी? मैं सोच रहा था प्रभु ये किस चर्च के आए लोग हैं, ये कहां के वासी हैं, ये भारत देश के वासी हैं, ये अभी भी बिलीव करते हैं नजर लगती है, टीका लगाओ ये वो। अगर नजर जैसी चीज होती तो मैं सारा दिन शैतान को ही निहारता रहता, मैं सारा दिन को देखता रहता, मेरी नजर लगे तू बर्बाद हो। ऐसा कुछ नहीं होता, याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता, हम याकूब के वंशज हैं। कई लोग कहते खाना छुपा के खाते, ओह मैं सच्ची बोलता हूं, मैंने देखा है कुछ लोगों को ऑफिस में बैठे रहेंगे ना, एकदम जहां पर डेस्कटॉप पड़ी रहेगी ना अंदर बैठ के खाना खाएंगे। क्यों भाई क्यों देख रहा है मेरे खाने को नजर न लगे? हाँ जैसे तू मटन लेके आया है वही तेरी मां सड़ी हुई बिंडियां बना के देती है और नजर लगेगी। नजर लगती है खाने पे। कलामे पाक कहता है भोजन प्रार्थना के द्वारा शुद्ध होता है, इसीलिए हम मसीह लोग खाने से पहले दुआ करते हैं। बहुत सारी और भी बातें, शनिवार को कुछ लोग एक्स्ट्रा डरे हुए रहते, बहुत लोग डरे हुए रहते हैं। पास्टर जी एक लड़की को देखा मैंने,
नींबू मिर्ची के आगे पीछे से कर रहा था। मैंने इसको पूछा शादी क्यों कर रहा है इसे? बोलता है नहीं, माँ ने कहा था अगर पैर आ जाए तो उधर करके आने का, घर पे नहीं लेके आने का ये सब। अगर नींबू मिर्ची टांगने से मेरे घर की रक्षा होती तो मैं अपने घर पे तरबूज और तुरी डालता, इतने बड़े नींबू लेके आता। अरे पांच लोग मिलके घर की रक्षा नहीं कर पाते हो, नींबू मिर्ची करेगा? सो कम ऑन, 2022 में रह रहे हो, निकलो इन वहमों से बाहर। कुछ लोग कहते हैं नेल्स अगर हम ब्रेक करके घर पे फेंक देंगे तो घर पे झगड़े होंगे। अरे झगड़ा तेरे स्वभाव से वजह से होता है, नींबू की इससे वजह से नहीं होता। आपको पता है ये क्या थियोलॉजी है? जब लाइट नहीं होती थी, अंधेरा होता था, तो लोग है ना अपने नेल्स काट के जब फेंकते थे तो कुछ लोग जमीन पे सोते थे, उन्हें चुपते थे। उन्होंने कहा नेल्स मत फेंको, लगते हैं, और हमने एक नया सिस्टम बनाया, नेल्स मत फेंको, झगड़े होते हैं। झगड़े किस वजह से होते? झगड़े सदैव उस घर में रहते हैं जहां दो घमंडी है, एक नम्र एक घमंडी है, उस घर में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वो बोल बोल के थक जाएगी, ये सुन सुन के चुप हो जाएगा। झगड़े कहां होते? जहां पर दो ऐसे लोग हैं जो किसी को नहीं सुनते, तू लात लात मैं पात पात। बिल्कुल उस घर में झगड़े होते हैं। ये कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर कौवा आया, मतलब आज मेहमान आएगा, और कौवा जैसे आते उसको भगा दे, भाग भाग इधर से, तू बैठेगा तो मेहमान आएगा। पहले खुद से तंग लगे पड़े, फिर मेहमान आएंगे। कौवे का मेहमान से क्या लेन देन, अपन सफेद वो काला। इन सारी बातों से बाहर आओ। और इवन मैं आपको आज भी कहता हूं, इफ अ प्रीचर एंड अ पास्टर सेड, अगर कोई पास्टर और प्रीचर कहता है दसवांश दो नहीं तो कर्स आएगा तुम्हारे ऊपर, निकलो ऐसी कलीसियाओं से बाहर जो आपको डराते। द बाइबल से परमेश्वर उनसे खुश होता है जो दिल से देते। आमेन। जो आप दिल से देते हो वही आपका टाइथ होता है।